बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशर मुनव्वर विदाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। ये जो आज का विलाग शुरू करते हैं, तो विलाग शुरू करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। तो आज का विलाग कुछ इस तरह का होने वाला है। तो आज हम अभी जा रहे हैं शहर मुबशर और मैं, और इधर जो कैमरा है वो सार ने पकड़ा हुआ है। तो मुबशर जो है ना उधर वो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमने जाना है शहर। शहर जाकर ना कुछ शॉपिंग करनी है, और जो आज की खास का शॉपिंग है ना वो मुबशर के नाम की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुबशर की शॉपिंग, जो मुबशर की अपनी कमाई है ना उसमें से ना फर्स्ट टाइम मुबशर की जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम शहर जाते हैं, शहर जाकर ना वो शॉपिंग करके आते हैं और वापस आते ना हम आपके साथ जो भी शॉपिंग करके आएंगे ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम शहर। हाँ जी, तो मैं इधर मुबशर के पास आ गए। हाँ जी, आपने तैयारी कर ली है? कर ली। चले शहर फिर। अच्छा, आज तो बड़े खुश खुश बैठे हो। सो के उठा है ना, ये सारा दिन जो सोता रहता है ना, कुछ काम भी किया कर ना, कुछ अक्सर मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस किया करो, सोने से ना इंसान सुस्त हो जाता है। हाँ जी, तो चले। किस चीज पे जाना है, गाड़ी पे जाना है या बाइक पे जाना है? बाइक पे जाना है। गाड़ी पे क्यों नहीं जाता यार? टाइम लग रहा है उसको, निकालते निकालते उसे लेके जाते जाते हमारा तो टाइम ही लगना है। मोटरसाइकिल पे तो वैसे यूं गए और यूं आए। चले चलो चलो। हाँ जी, तो अभी हम ना जब शॉपिंग करके घर जा रहे थे, तो मैंने सोचा है कि यहाँ पार्क में भी घूम लेते हैं, कुछ इंजॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्कूल से छुट्टियाँ और ना मतलब घर में रह रहे के ना बोर हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि ना हम आज घूम शूम भी लेते हैं और जो अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी करके ले आते हैं, क्योंकि ना फिर स्कूल ओपन हो जाने, फिर ना टाइम नहीं मिलना शहर जाने के लिए। तो इस वजह से ना फिर आज हम आए थे शहर शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने ना इधर पार्क देखा था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, और मैं भी ना यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेता हूँ और ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो इस साइड देखें, यहाँ पर ना ग्रीनरी ग्रीनरी और उस साइड ना झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ना इस तरह की डेकोरेशन सी की हुई है और काफ़ी प्यारी लग रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, और बंदा ना पार्क में आकर ना बंदा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी को देखने से ना बंदा फ्रेश हो जाता है ना। ग्रीनरी ग्रीनरी है और काफ़ी प्यारा माहौल है और ठंडी ठंडी हवा भी है। तो अक्सर ना पार्क में आना चाहिए, क्योंकि ना पार्क में हमें ग्रीनरी भी मिलती है और जो ऑक्सीजन है वो भी अच्छी खासी होती है यहाँ पे, और बंदे को ना थोड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, ग्रीनरी देख के भी बंदे को सुकून मिलता है और यहाँ पर इतना शोर वगैरह नहीं होता। और इधर ना फूल वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन ना मेरे ख्याल में वो जो फूल हैं वो मेरे ख्याल में कहीं सूखे खड़े हैं। जिस तरह ये देखे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ना बिल्कुल सूखे खड़े हैं कुछ, क्योंकि ना थोड़ी गर्मियाँ ज़्यादा थी और धूप वगैरह निकलती रही है, धूप की वजह से ना फूल जो है वो मतलब कि जलना शुरू हो गए हैं। तो इस साइड ना ये देखिए, यहाँ पर ना ये भी फूल खड़े हैं, ये असल में ना हमारे घर भी लगे हुए थे, लेकिन ये इतने बड़े नहीं हुए, इधर इधर ये बड़े हुए खड़े हैं ये देखें, और काफ़ी प्यारे फूल हैं। इस साइड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। वो आपको जो नजर आ रही है वो मस्जिद है। हाँ जी, तो अभी हम घर आ चुके हैं और ना शॉपिंग भी करके आ चुके हैं। तो वह वाकई ना आज मुझे काफी मजा आया बाहर जाके, क्योंकि ना जो मौसम था वो भी ठंडा ठंडा था, और ना वहाँ पे हम पार्क में भी गए थे, वहाँ पे भी काफी मजा आया है। तो शॉपिंग जो की थी वो भी हमने शॉपिंग भी कर ली है, वो आज की खास कर शॉपिंग जो मुबशर की रही थी। हाँ जी, तो मुबशर जो है ना खुद अपनी जो शॉपिंग दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं। सबसे पहले ये दिखा देते हैं, ये कल ना भाई सदाकत जो है ना मुबशर के चाचू जी, वो इनके लिए ना एक सूट लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि मुबशर भाई ये सूट जो ना सिलाई करा लो और पहन लेना जी। तो सबसे पहले तो अपने चाचू को शुक्रिया अदा करें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ऐसे चाचू होने चाहिए ना कि जो अपने भतीजों का ख्याल रखें। तो माशाल्लाह मुबशर सदाकत चाचू ने ना इसके लिए ना ये सूट खरीदा था कल। असल में उन्होंने कलर चेंज करके खरीदा है, क्योंकि ना मैंने इस तरह का कलर कभी पहना नहीं। वो चाचू कह रहे होंगे कि ना ये व्हाइट कलर और इस तरह का ब्लू कलर, हाँ ये मिक्स है, इसमें व्हाइट कुछ कलर नजर आ रहा है। तो चाचू ने ना मेरा फिर ये कलर चेंज किया, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ रही है, कपड़ा जो है वो गर्म भी है और अच्छा कपड़ा है। वैसे नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे ये बताएं तो आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। तो ये तो पहले बात है कि चाचू सदाकत ने जो सूट लेकर इसे दिया है ना, ये तो इसे पसंद आ गया है। तो इस सूट को रखते हैं हम इधर,
अभी ये सिलाई करवाना पड़ेगा। तो जो आज हम शॉपिंग करके ले आए हैं मुबशर के लिए, सबसे पहले तो ये है जी, एक इसके लिए ना शर्ट दी है, ये ना मैंने वाइट कलर की ली है। हाँ जी, इस तरह की है। तो उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगी होगी, ये कलर बहुत अच्छा है, वाइट है और इसमें जो ये ब्लैक डॉट्स हैं, डॉट्स हैं। हाँ जी, तो पहले तो ये है, इसको इधर रख दें और उसके बाद दूसरी ये है, एक शर्ट ये दी है मुबशर के लिए। ये कलर तो मैंने पसंद किया था, लेकिन ये जो कलर है ये बुरे पसंद किया, और ये कलर जो है ना ये भी ना काफी प्यारा कलर है, क्योंकि मैंने ना ज्यादातर ब्लू कलर की ना उसमें शर्टें नहीं लेता, तो अबू ने कहा था कि ना आप ना ब्लू कलर ले लो, क्योंकि थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और ना आपने ये कलर कभी लिया नहीं। ये भी कलर अच्छा है, अच्छी शर्ट है। तो कमेंट में आप लोगों ने हमें जरूर बताना है, कमेंट में जरूर बताना कि वो अच्छी है या ये अच्छी है, दोनों में से बताना। वो मुबशर ने पसंद की है या मैंने पसंद की है। और एक मैंने ये पैंट ली थी, एक ये पैंट ली है, ये वाली, ये जो पैंट है ये भी ना अबू ने सिलेक्ट की थी। हाँ जी, अबू ने कहा था कि थोड़ा सा इसका डिजाइन भी है और थोड़ा सा ना कलर भी चेंज है, पहले ब्लैक पैंट थी मेरे पास, तो अबू ने कहा ना ये ले लो, ये ज्यादा ब्लैक नहीं, इसमें ना थोड़ा सा कलर और है, ब्राउन कलर मेरे को मिक्स है। और आखिर पे जी हमने ये एक ना सीधा सिलाया कुर्ता वगैरह जो होता है ना, ये लिया था, ये लिया है, ये भी ना अबू की पसंद है, कलर ना आपने चेंज करवाया मेरा इस बार, असल में ना इस तरह का कलर ना मैंने कभी नहीं लिया, तो आज अबू ने कहा था कि ना आपने ये कलर ले लो, ये कलर अच्छा लगेगा, तो फिर ना मैंने ये कलर लिया था। तो आप लोगों ने कमेंट में हमें जरूर बताना है कि जो मैंने कमीज का कलर लिया ये किस तरह का है, ये अच्छा ही कलर है वैसे, अच्छा कलर है, कलर भी चेंज ही है। और इसका कलर क्या है, कौन सा कलर है, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन है अंगूरी कलर, अंगूरी कलर, आप पंजाबी लोग जो ऐसे अंगूरी कलर भी बोल देते हैं, अंगूरी कलर बोलते हैं। हाँ जी, अच्छा है ये कलर, अच्छा है, क्योंकि इस कलर के ना पहले आपके कपड़े नहीं है, नहीं है वो, ये कलर भी अच्छा है। हाँ जी, तो साथ ये ट्राउजर है। हाँ जी, ये ट्राउजर बड़ी लगती है यार मुझे तो, आप ये देखे ना, पहले वाली है, बड़ी है, कोई नहीं, फिर दर्जी के पास ले जाएंगे, ये ठीक करवानी पड़ेगी जी। तो अभी ना बाजी भी आ चुकी है, तो बाजी भी ना मेरे कपड़े देख रही है, बताओ कैसे कपड़े हैं ये, बहुत अच्छे हैं कपड़े, इस बार ना मैंने कलर भी थोड़े चेंज किए हैं ना कपड़ों के, इस बार चेंज थे कपड़े भी। वैसे ना जुम्मा मुबारक भी है, तो आप लोगों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक, तो बाजी से मैं पूछूंगा कि आज ना जुम्मे पे मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, तो बाजी बताएगी क्या पहन के जाऊँ, सलवार कमीज या पैंट शर्ट, सलवार कमीज। हाँ जी, तो बाजी कह रही है ना आप ना ये जुम्मे पे ना सलवार कमीज पहन के जाना, चलो मैं ना फिर ये जुम्मे पे सलवार कमीज पहन के भी जाऊँगा। असल में ना आज हमने बाजी के कपड़े ले लिए, तो ना बाजी के कपड़े हमने इस वजह से नहीं लिए, एक तो बाजी के कपड़ों का हमें पता नहीं था कि बाजी के कपड़ों का साइज क्या है, असल में ना हमें एक अंदाजा नहीं था कि ना औरतों के कपड़े किस तरह के लेने होते हैं, तो अबू और मैं गए थे तो हमें ना वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि बाजी के कपड़े ना किस कलर के हैं, तो हमने सोचा कि हम ना अभी कपड़े नहीं लेते, बाजी ना अम्मा के साथ जाएगी और ना खुद पसंद करके ले आएगी, अगर हम कपड़े लेके भी आते ना साइज छोटा हो जाता, बड़ा हो जाता या कलर पसंद आता, ये इशू बनना था, तो इस वजह से ना हम ना बाजी कपड़े नहीं लेके आए, तो बाजी ना अम्मा के साथ जाएगी और ना खुद पसंद करके ना अपनी मर्जी से कपड़े लेके आएगी। तो आज ना बादल वगैरह बने हुए हैं, तो लग रहा है कि आज बारिश होगी, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दुआ करें कि हमारे यहाँ ना बारिश हो और जो हमारे यहाँ का मौसम है वो ना कुछ ठंडा बन जाए। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को आज की हमारी ये जो शॉपिंग है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।